जय जिनेंद्र, मैं मोना बिरला आप सबके सफर की साथी आपका भांडवपुर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम भांडवा जी के इतिहास की सैर पर निकलते हैं। ग्रंथ समान सुतीरथ है जिन प्रतिमा जिन देव, फल अनुसारी भाव के विकथन मिथ्या एव। मारवाड़ में जोधपुर से रानीवाड़ा जाने वाले रेलवे के मोधरा रोड स्टेशन से 22 मील दूर उत्तर पश्चिम कोण में चारों ओर रेगिस्तान से घिरा हुआ भांडवा नाम का छोटा सा गांव है। यहां पर राजपूत, कणबी, वजीर, भील आदि काश्तकार जातियों के लगभग 200 घर आबाद है। गांव चारों तरफ सघन झाड़ी से परिवेष्टित है। इसको विक्रमी तीसरी चौथी शताब्दी के मध्य काल में जाबाली के निवासी परमार भांडु सिंह जी ने बसाकर इस पर शासन किया था। उनके वंशजों का कई पीढ़ी तक अधिकार रहा। संसार में किसी भी सत्ता समान रूप से सदा के लिए नहीं रहती, उसका परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसी से शास्त्रकार महर्षियों का कहना है कि संसारगत प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है। इसी कुदरती नियम के अनुसार विक्रम संवत 1322 में बाबतरा गांव वाले दैया राजपूत बुहेड़ सिंह ने परमारों को भगाकर भांडवा पर अपना अधिकार जमा कर उसका शासन किया। धीरे धीरे इसके चारों ओर के गांवों पर दैयों का अधिकार हो गया। इससे इस प्रांत का नाम दयावट पट्टी हो गया। इस पट्टी को दो विभाग में बांटा गया, एक उल्ली पट्टी और दूसरी पल्ली पट्टी। दोनों पट्टियों में 24-24 गांव हैं, जिनमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के गांव शामिल है। बाद में इन पट्टियों पर जोधपुर के राठौर राजाओं का अधिकार हो गया। जोधपुर महाराजा राम सिंह जी ने लुम्बाजी दरिया का अधिकार छीन कर विक्रम संवत 1707 भाद्रवा सुदी पंचमी के दिन आणा गांव के ठाकुर मालमित सिंह भाटी को भांडवा गांव अर्पण कर दिया। तत्पश्चात संवत 1864 भाद्रवा सुदी पंद्रवी के रोज जोधपुर के महाराजा मानसिंह जी ने भांडवा का आधा हिस्सा खाली कर दिया और आधा हिस्सा ठाकुर राज सिंह भाटी को इनायत कर दिया। राज सिंह भाटी के वंशज क्रमशः सरदार सिंह, सुमेर सिंह, भगवान सिंह हुए। वर्तमान में ठाकुर भगवान सिंह जी हैं, जो बड़े ही मिलनशील और सत्संग प्रेमी हैं। ठाकुर साहब के छोटे भाई हिम्मत सिंह जी भाटी और सोहन सिंह जी दैया, ये दोनों व्यक्ति भी बड़े ही दिलावर सत्संगी और जनता की सेवा में दिलचस्पी रखने वाले हैं। धन्यवाद।